हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और मैंने अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट आपको बताया था, और उस पार्ट से मैंने आपको कहा था कि आप भी वो चीज़ सीखिए, जो गलती मैंने करी है वो ना दोहराइए। आज भी मैं आपको आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बताना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो आपके लिए छोटा होगा, पर मेरे लिए तो वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। और उस पार्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी दी हमेशा से मुझसे एक चीज़ कहती है, ज़रूरी नहीं है कुएं की गहराई को नापने के लिए आपको कुएं में कूदना पड़े। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी पता कर सकते हो कि कुआं कितना गहरा होगा। वही चीज़ मैं आपको भी दोहराना चाहती हूँ। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। और मैं नहीं चाहूँगी जो चीज़ मैंने भुगती है वो भी आप भुगती हैं। तो आपका वक्त जायज न करते हुए मैं स्टोरी की तरफ चलती हूँ। ये स्टोरी है मेरी टीनेजर टाइम की, जहाँ पर मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। और 12th स्टैंडर्ड में मैंने कॉमर्स लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ शेड्यूल चल रहा था मेरा, क्योंकि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आके कोचिंग क्लासेस करते थे। पर इस ड्यूरेशन में मुझे एक और क्लासेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थी कंप्यूटर की क्लासेस। और कंप्यूटर की क्लासेस लेना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे स्कूल का जो स्टाफ था वो जाने वाला था, क्योंकि हमारी जो मैम थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें मैनिटी लीव चाहिए थी। तो ये बात हम सबको पता चल गई थी। तब से हमारे दिमाग में ये था कि अगर हमने अपना खुद के लिए सही रास्ता नहीं लिया तो शायद हम फेल हो जाएंगे, और कोई भी बोर्ड में फेल होना पसंद नहीं करता। और मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, तो मैं तो रेडी थी। उस दिन मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलती हूँ, झिलमिल सुनना, तो वो कहती है कि हाँ बोल। कहती है यार सोच रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस लगा ले, क्योंकि मैम तो जाने वाली हैं, और अगर मैम चली जाएंगी तो हमारा कोर्स बीच में अटक जाएगा, और हम 12th स्टैंडर्ड में हैं तो अपन यार इतनी बार तो स्कूल भी नहीं जाएंगे। अब बेसिकली हम घर पे बैठ के प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो क्या बोलती है, लेंगे क्या? तो वो कहती है कि हाँ पक्का ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कोई कोचिंग क्लासेस पता कर, मैं आ जाऊँगी। ऐसे कह के झिलमिल वहाँ से फ़ोन रख देती है। मैं जाकर कोचिंग क्लासेस के बारे में पता करती हूँ। जब मैं पता करती हूँ तो वहाँ पर एक क्लासेस मुझे पसंद आती है। मैं उस क्लास में जाकर उस मैम से पूरी बातें करती हूँ, हर एक एक चीज़ के बारे में पूछती हूँ, और उनसे थोड़ा सा डेमो लेकर जाती हूँ। और उस डेमो से मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो मैम काफ़ी अच्छी हैं, और उनके यहाँ पढ़ेंगे तो काफ़ी है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस कोचिंग की, कि वहाँ पर ना बल्क में बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि कम बच्चे आते थे तो ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर बल्क में बच्चे आएंगे तो शायद हम लोगों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। तो उस दिन मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती हूँ। तो मैं जब झिलमिल को इसके बारे में बताती हूँ तो झिलमिल एग्री हो जाती है, और वो साथ ही साथ अपने एक दोस्त को बोलती है जो हमारा ही क्लासमेट रहता है, और हम अपने क्लासमेट को भी बताते हैं। तो वो कहता है कि मैं भी आ जाऊँगा, मुझे भी कोई इशू नहीं है, और नव्या तेरे घर के आजू बाजू तो मैं आता ही रहता हूँ, फिर डेफिनेटली आ ही जाऊँगा। तो हम तीनों के तीनों उस दिन क्लास के अंदर जाते हैं। जैसे ही हमारा फर्स्ट डे रहता है, वो हम फर्स्ट डे पे जैसे वो क्लास के अंदर एंटर करते हैं, तो जैसे हम एंटर करते हैं वहाँ पर एक लड़की पार्टीशन के साइड में बैठी रहती है, जो अपनी बुक ओपन करके बहुत प्यार से पढ़ाई कर रही रहती है। उसने अपने बालों को टाई किया हुआ था, और उसके बाल बहुत लॉन्ग थे, और उसके पॉनी टेल बांध के उसने पूरे बाल रखी थी, और उसके लॉन्ग हेयर्स और उसके फेस की क्यूटनेस और उसकी आँखों की नज़ाकत इतनी ज़्यादा थी कि मेरी नज़र उस लड़की से हटी नहीं रही थी। उस लड़की ने अपनी बुक को ओपन करके अपने पेन के साथ वो खेल रही थी, वो टैप बार बार करे जा रही थी, और कुछ सोच में बिजी थी। बस मैं उस लड़की से एक ही बार देखकर फिर हम लोग क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। फिर जब मैम आ जाती हैं तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैम मुझे पढ़ा रही थी और मैं भी पढ़ रही थी, लेकिन जब जब मैम थोड़ा सा बिजी हो रही थी या कुछ चीज़ों में, मेरी नज़र सिर्फ बाहर जाके उस लड़की को देखे जा रही थी, और मैं उस लड़की की तरफ बार बार घूर के देख रही थी। तो यहीं पर जो झिलमिल रहती है वो मुझे टैप करते हुए बोलती है, क्लासेस बाहर नहीं अंदर चल रही है, तो तुम्हारी जो नज़रें बाहर की तरफ है ना, उसे कंट्रोल करके अंदर देख लो।
तो मैं उसे बोलती हूँ, हाँ मैं अंदर की तरफ ही देख रही हूँ, पर फिर भी मैं बाहर की तरफ ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो हमें मैम बोलती हैं कि तुम वो बाहर जो क्लासरूम है ना, बाहर जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं उनको ज्वाइन करो। तो मैं उनकी तरफ देख के बोलती हूँ कि मैम वो क्यों ज्वाइन करना है? तो वो कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे पढ़ानी है और मुझे उनको भी पढ़ानी है, तो दोनों बैच में कंबाइन कर लेती हूँ। तो हमने बोला ठीक है। तो यहाँ पर झिलमिल थोड़ी सी एग्री नहीं थी। झिलमिल बोलती है कि यार क्यों हम बैठेंगे किसी और के साथ? तभी मैं उसका हाथ पकड़ के बोलती हूँ, इतना अच्छा सुनहरा मौका थोड़ी ना मिलेगा, चल चल बैठते हैं अंदर, चल बैठते हैं। और हम जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं तो मैं झिलमिल के बाजू में बैठी हूँ और मेरे साइड में वो लड़की बैठी है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी दूर पे बैठी रहती है, मतलब वो दूसरे डेस्क पे बैठती है और उसके सामने वाली डेस्क पे मैं बैठती हूँ ताकि मैं उसे देख सकूँ अच्छे से। अगर मैं आगे पीछे बैठूंगी तो मैं नहीं देख पाऊंगी ना उसे, तो मैं जानबूझ के वहाँ डेस्क पे बैठी। तभी झिलमिल मुझे कहती है, क्लासेस सामने हैं, अभी भी बोल रही हूँ। तो वो कहती है, क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है? देखना वो कितनी क्यूट है यार, कितनी सुंदर दिख रही है, देख उसको। तो फिर झिलमिल एक बार नज़र आगे करके उसे देखती है तो कहती है, सुंदर तो है यार काफ़ी और बहुत क्यूट भी है। क्या कह रही है, क्या कह रही हो, मन है क्या उससे बात करने का? तभी मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ, मन तो है यार। तो तभी वो मेरी तरफ देख के बोलती है, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड दिख रहा है ना, सुन बेटा वो तुझे घास तक भी नहीं डालेगी, तो प्लीज़ अपनी इज्जत का भाजीपाला ना करना और उसके पास जाकर बात ना करना। तो मैं बहुत उस समय कूल डूड टाइप पर्सन थी, और कोई मुझे चैलेंज दे और मैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता था। और आपकी नज़रों में आप कह सकते हो थोड़े इकोइस्टिक भी थी। तो मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ, लगी शर्त? तो वह कहती है कि हाँ, अगर तूने उस लड़की से बात कर ली या उस लड़की ने तेरा नंबर तुझसे ले लिया, क्योंकि वो अलग बैच की है, तो अगर वो तुझसे नंबर भी ले लिया, मैं तुझे ट्रीट दूंगी पिज्ज़ा हट पे, तुझे पिज्ज़ा खिलाऊंगी, तुझे मैकडोनल्ड्स में जो खाना है मैं तुझे वो खिलाऊंगी, देखो जो चाहिए वो खिलाऊंगी, पर शर्त जीतनी पड़ेगी तुझे। झिलमिल मुझे ऐसे बोलती है। तभी मैं कहती हूँ कि तू रेडी रहना, कल पैसे लेकर आना और हम यहाँ से ना पिज़्ज़ा हट चलेंगे। तो कहती है कि अच्छा तू इतनी श्योर है? तभी मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, मैं 90 आऊँ यार, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुझे यकीन नहीं है मुझ पर? तो वो कहती है कि देखते हैं ना, और ये तो दूसरे बैच की है, तो ये हमारा सिर्फ एक ही टाइम मिलना हो रहा है, इसके बाद शायद हम ना मिलेंगे। तभी वहाँ से मैम एकदम से अनाउंस करती है कि ये जो बैच है, ये बैच है C++ का, और आपको ज्वाइन जिसने किया है वो 3 लोग हैं जावा के क्लासेस के, तो ये आपको ज्वाइन कर रहे हैं और मैंने ये ज्वाइंट क्लासेस यहाँ पर रखी है। पर जो C++ वाले बच्चे हैं जितने भी, इनमें से कुछ बच्चे तो मेरे यहीं पे कोचिंग में पढ़ते हैं और कुछ मेरे घर पर पढ़ते हैं। तो वो जैसी पॉइंट आउट करती है दूसरे साइड पर, जब मैम पॉइंट आउट करती तो मुझे पता चलता है, ओ शिट, ओ माय गॉड, मतलब वो जिस लड़की को से मैंने शर्त लगाई है, जिस लड़की के लिए मैंने शर्त लगाई है, वो लड़की इस कोचिंग में पढ़ती ही नहीं है, वो एक्चुअल में मैम के घर पे पढ़ती है उनके साथ, बट वो आज यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली बुलाया है। मैं ये देखकर ऐसी शॉक, मेरी तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। अब तो इज्जत की भी बात थी और इज्जत से ज़्यादा एक बोलते ना पर्सनल इंटरेस्ट, वो भी था मुझे उस लड़की के लिए। अब सिर्फ मेरे पास सिर्फ आधा या 1 घंटा था, जो चमत्कार करना है वो अभी हो सकता है, वरना तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं बस उसकी तरफ देख रही रहती हूँ और ये रिमझिम झिलमिल मेरी तरफ देखे जा रही रहती है, और वो मुझे बोलती है कि अब बेटा करके दिखाओ। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, हंसा ही दिया इस लड़की ने, अब क्या बोलूँ, या तो हार जाऊंगी या तो जीतूंगी। तो तभी मैम जो बोलती हैं, पढ़ा देती हैं, पढ़ाने के बाद एकदम से बोलती हैं कि चलो तुम लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो और जहाँ डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो। तो वो सेल्फ स्टडी करने के लिए हम सब बिजी हो गए थे और वहाँ पर वो लड़की C++ कर रही थी। तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे C++ बहुत पहले से आता था, क्योंकि
मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी सिस्टर्स जो थी कि जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस की क्लासेस पहले कर चुकी थी, तो मैंने ये चीज़ें तो 9th और 10th में ही सीख ली थी, तो मुझे कुछ नया नहीं था। तो वो सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रही थी, तो वही वो चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ। तो वो बार बार एक लिखे जा रही थी और कह रही थी कि ये तो सही नहीं बन रहा है, यहाँ तो एरर आएगा। और तभी वो मैम को बुलाती है और मैम को बोलती है, तो मैम उसको बोलती हैं, गौरी आपने ये जो लिया है ये पूरा गलत है, ये एरर है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। तो कहती है, तो मैम मैं क्या करूँ? तो वो बोलती हैं कि आप सोचो क्या होगा। तो झिलमिल मेरी तरफ देख के हंसे जा रही थी, क्योंकि उसको तो पता था कि वो शर्त जीतने वाली है, और हालांकि मुझे भी पता था कि मैं हारने ही वाली हूँ, पर कहते हैं ना कि कुछ तो ट्राई कर लेना चाहिए, ना हो हारने से तो बेटर ही है। तो मैं वहाँ से उठती हूँ और उसकी सीट बाजू की खाली रहती है, तो मैं उसकी बाजू में बैठ जाती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि आप ना ये वाला कॉमा जो आपने एक्स्ट्रा लगाया है ना, ये आप हटाओ तो सही, फिर आपका एरर सही हो जाएगा। वो मेरी तरफ देख के बोलती है, आर यू सीरियस? तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, येस यू आर, करके देखो। तो वो जैसे ही हटाती है तो वो एंटर करती है, तो उसका वो चल जाता है, पूरा का पूरा वो जो प्रोग्राम रहता है वो चल जाता है, उसकी एरर हट जाती है। तो वो बोलती, वाओ तुम्हें सी प्लस प्लस आती है, बट आई थिंक तुम तो जावा की क्लास से हो ना। तो मैं उसी तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलती, मैं नव्या, आप? तो वो कहती है, गौरी। तो मैं उसे बोलती हूँ कि हाँ एक्चुअल में मैं जावा की हूँ, लेकिन मुझे सी प्लस प्लस आता है। तो वो कहती है कि जब 12th स्टैंडर्ड में आपको तो चॉइस रहती है ना कि आप सी प्लस प्लस लो या जावा लो, तो आपको सी प्लस प्लस लेना चाहिए था। तो तभी मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, जो चीज़ पहले से आती है उसको सीख कर क्या फ़ायदा, जो चीज़ नहीं आती है उसे सीख कर ही अच्छा लगता है, तो मैं तो लेना पसंद करूँगी। तो ये बात देख के वो लड़की इम्प्रेस होती है और तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कभी आती नहीं हूँ, ये मैं कभी कभार आती हूँ यहाँ पर बस, और मुझे तुम्हारा नेचर अच्छा लगा, चलो अपना नंबर दो। और वो अपना मोबाइल निकालती है और उसमें मैं उसको नंबर फीड करके देखती हूँ, और मैं उससे पूछती हूँ, आप कौन से स्कूल की हो? तो वो बोलती है कि मैं एक्स वाई जेड स्कूल की हूँ, और मैं अपने स्कूलों का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन उनका जो स्कूल रहता है एक्स वाई जेड स्कूल जो था वो मेरे होम टाउन का सबसे टॉप स्कूलों में से एक था, टॉप 5 में आते थे, और वो गर्ल्स स्कूल था, और उस गर्ल्स स्कूल की लड़कियों का एटीट्यूड हाई लेवल का होता था। मतलब अगर आपकी उस गर्ल के साथ बात भी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, और हमारा स्कूल जो था भाई वो तो टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर आ जाए तो आ जाए, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हूँ। तो ABCD मेरे स्कूल का है और उनका XYZ है, जो मैं रियल नेम नहीं डालना चाहूँगी। तो जैसे ही वो नंबर एक्सचेंज होता है और वो बहुत स्माइल करके चली जाती है, क्लासेस ऐसी एंड हो जाती है, वो चली जाती है। जब हमारी भी क्लासेस ख़त्म होती है, हम बाहर की तरफ जाते हैं, तो मैं अपने बालों में हाथ डाल के एटीट्यूड वे में उसे बोलती हूँ, हाँ मैडम मैं जीत गई हूँ, सो कल आप मैकडोनल्ड्स पे लेके जाएंगी या पिज़्ज़ा हट पे, या आज लेके जाना है आप डिसाइड कर लीजिए। तभी वो कहती है कि शिट, उसने तेरा नंबर ले लिया, तो पर तुझे कॉल थोड़ी ना करेगी, मैसेज थोड़ी ना करेगी। तो मैंने उसे बोला, यार वो कॉल करे या मैसेज ना करे डजेंट मैटर, मैटर हमारे बीच में ये हुआ था कि वो नंबर लेगी कि नहीं, मैं मेरी शर्त जीतती हूँ, झिलमिल नाटक मत कर, तुझे देना पड़ेगा। हाँ हाँ दे दूंगी, मना थोड़ी ना कर रही हूँ, झिलमिल कहती है, मैं कहती हूँ कि पक्का दे देना। इस तरीके से हमारी वो दिन चले जाते हैं। फिर हम रोज़ रेगुलर लाइफ कॉलेज जाते स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद हम कोचिंग क्लासेस जाते थे, और जो कंप्यूटर की क्लासेस होती थी वो ऑल्टरनेटिव डेज रहती थी हमारी, मतलब नॉर्म रोज़ नहीं रहती थी, तो इस ड्यूरेशन में ऐसे चलता रहता है। तभी एक दिन मुझे एक मैसेज आता है, और मैं स्कूल में मोबाइल लेकर गई थी, और उस समय मेरे पास जो मोबाइल था वो कीपैड वाला था, एंड्रॉयड तो हमारे पास था ही नहीं उस ज़माने में, और उस समय मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास हो जाए, तो सबके पास कीपैड ही था। तो मेरे पास कीपैड मोबाइल था और वो मेरी सिस्टर का ही था, बट मैं लेकर आ गई थी। तो मैं लेकर आती हूँ, तो तभी वहाँ से मुझे झिलमिल कहती है,
यार तू मोबाइल लेकर आ गई, तो कहती छोड़ना यार हम यहाँ से। अरे मैं यहाँ से ना बाहर जाने वाली, तो दीदी बोल रही थी कि तू मोबाइल लेकर जा, कल अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम तुझे कॉल तो कर सकते हैं, इसलिए दिया है यार। तो कहती अच्छा ठीक है। तो उसी बीच में एक मैसेज आता है मुझे, और वो टेक्स्ट मैसेज रहता है, और टेक्स्ट मैसेज जो रहता है वो एक मैसेज सिंपल सा, एक पूरा कोट हुआ करते थे उस समय, तो वो एक बहुत प्यारा सा स्माइलिंग वाला कोट वगैरह लिखा रहता है, और उसके नीचे लिखा रहता है फ्रॉम गौरी। एंड मैं बस उसको देख के इतना स्माइल कर रही थी, इतना स्माइल कर रही थी कि मेरे चेहरे से वो हंसी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो लड़की ने जो मेरा नंबर तो लिया गौरी ने, बट 5-6 दिन तक उसने कोई टेक्स्ट भी नहीं किया, और मुझे लगा कि जस्ट इट्स ओके फाइन कि टाटा बाय बाय उसी समय हो चुका है। बट मुझे क्या पता था कि वो एक शर्त मेरी ज़िंदगी की सबसे भारी शर्त होगी, और वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो जैसे ही मैं वो टेक्स्ट की तरफ देखती हूँ और मैं स्माइल करती हूँ, तभी झिलमिल आती है और मोबाइल मुझसे छीन लेती है, और कहती है ओ माई गॉड शी टेक्स यू, शी टेक्स यू। तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स शी टेक्स मी, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ भाई, मेरे चार्म से कोई रह सकता है क्या दूर, तुझे पता तो है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे मैं ना पटा सकूं, जिसे मैं पटाना नहीं चाहती हूँ मैं सिर्फ उन्हें नहीं पटा सकती हूँ, वरना मैं पटाने के लिए बहुत अच्छी हूँ, मैं सबको पटा सकती हूँ। ये बात पे फर्स्ट टाइम झिलमिल मुझसे एग्री करती है, क्योंकि XYZ की लड़की को पटाना बहुत बड़ा टास्क था यार, और सच बोलूँ गाइस मुझे भी नहीं पता था वो कैसे पट गई यार। वो उसने मुझे कैसे टैक्स कर दिया, वरना मैं तो लायक भी नहीं थी उसकी नज़रों में। तो इस तरीके से वो जब फर्स्ट टाइम टैक्स आया था तो मैंने उसका नंबर सेव किया, और ऐसे ही हमारी लाइफ चली जा रही थी। हम स्कूल में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि मुझे पढ़ाई वगैरह में बहुत फोकस था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उन लोगों का मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, और इस वेलापंती में अगर तुम लगी रही तो इस बार ना तुम्हें घर से ही निकाल दिया जाएगा, तो बहुत प्रेशर था। तो मैं अभी इस समय इन सब चीज़ों को साइड में रख के अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस थी। तो हम कोचिंग जाते थे, आते रहते थे, ऐसे ही वो टेक्स्ट मैसेजेस कभी भी आते थे, कभी मैं भी टेक्स्ट मैसेजेस कर देती थी। हमारी लाइफ बस नॉर्मल 1-2 महीने तक इसी तरीके से चलती है। फिर एक दिन जब मैं बैठी थी, तो उस समय फेसबुक का बहुत ट्रेंड था, तो हम फेसबुक पे बैठे थे, तो तभी वहाँ से मेरे पास झिलमिल आती है और कहती है ये देख। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ क्या है ये, तो कहती है ये देख ना फेसबुक। तो हम कॉलेज मतलब स्कूल में थे, और हमने फेसबुक ओपन कर ली थी हमारे स्कूल की कंप्यूटर पे, जो हालांकि अलाव नहीं था, बट चुपके से हमने चालू करी थी। तब वो मुझे बताती है देख देख गौरवी भी है यहाँ पर, सॉरी गौरी भी है यहाँ पर। तो मैं गौरी की तरफ देख के बोलती हूँ कि आ गौरी हाँ यार ये देखो कितनी सुंदर लिख रही है यार, ये तो इसी की है, रियल फोटो भी डाली है उसने। तो कहती है हाँ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट डाले इसको, तो वो बोल मैंने बोला कि हाँ डाल दे एक्सेप्ट कर लेगी तो अच्छी बात है। तो कहती पागल मुझे तो वो जानती तक नहीं है, तुझे जानती है, तेरी आईडी से डालते हैं। तो हम एकदम से गए और मेरी आईडी से उसने लॉग इन किया, और मेरी आईडी से उसने डाल दिया। थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने लॉग आउट किया, हम चले गए। ऐसे ही हम लोग मतलब घर पे जाके तो हर कोई फेसबुक ओपन करता ही था। तो एक फिर मेरे को रिमझिम का मैसेज आता है, और वो मुझे कहती है गौरी ने एक्सेप्ट किया तेरा। तो मैं कहती हूँ झिलमिल अभी तक तो नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों तू इतनी एक्साइटेड क्यों है। तो कहती है अरे देखते हैं ना कि वो करती है कि नहीं, अगर उसने किया तो हो सकता है कि वो तुझे ग्रीन सिग्नल दे रही है, मतलब वो तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो मैं झिलमिल की तरफ देख के बोलती हूँ तू मुझे चने के झाड़ भी तो नहीं चढ़ा रही है ना, मुझे जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं। तो वो कहती है कि छोड़ ना देख। फिर हम लोग देखते हैं, उसे मैंने ऐसे ही ऑन किया तो मुझे पता चला कि उसने मेरी सच्ची में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और उसी टाइम के 2 दिन के बाद उसका बर्थडे था, वहाँ पर वो डिस्प्ले होता है। तो मैं उसे कहती हूँ उसका बर्थडे है, तो कहती कॉल कर लेना। और फर्स्ट टाइम मैंने उसे वहाँ पर उसके बर्थडे के दिन उसे कॉल किया। तो जैसे ही मैं उसे कॉल करती हूँ, तो वहाँ से एक अलग ही लड़की की वॉइस आती है, और मैं उसे कहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विश यू अ मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे। आई थिंक तुम्हें मेरा नाम याद होगा कि नहीं, मैं नव्या कह रही हूँ, मैं उसे फटाक से बोल देती हूँ। तभी वो कहती है कि मैं उसकी एल्डर सिस्टर कह रही हूँ, और वो तो अभी यहाँ पर है नहीं है, तो और ये नंबर उसका नहीं है, मेरा है, जो मेरे नंबर से वो कॉन करती है। तो कहती है तो मैं उसे बोलती हूँ सॉरी दीदी, वो आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैंने उसे विश किया। तो कहती हाँ हाँ गौरी आएगी तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी नव्या।
ऐसे करके वो मेरा फ़ोन रख देती हैं। थोड़े टाइम के बाद मुझे एक कॉल आता है और मेरी सिस्टर भी, उस समय मैं भी अपनी सिस्टर का ही मोबाइल यूज़ करती थी, तो मेरी सिस्टर बोलती है ये कौन अननोन नंबर का कॉल आ रहा है, गौरी तुम्हारी दोस्त है क्या? तो मैं कहती हूँ कि हाँ दी मेरी दोस्त है। तो वो बोलती है कि तुमने मेरा नंबर उसको दे दिया। तो मैं कहती हूँ दीदी दो ना यार, अभी फ़ोन पे बात करने दो। और मैं फ़ोन लेकर ऐसी स्पीड में भागती हूँ और साइड में जाके उसका फ़ोन पिकअप करती हूँ। मेरी सिस्टर वो भी थोड़ा सा शॉक्ड होके बोलती हैं, तभी मेरी दो सिस्टर थी जिसमें से एक सिस्टर बहुत सस्पिशियस सिस्टर है, जो जिसको हमेशा से मुझ पे शक रहता था, और बड़ी सिस्टर बहुत कूल रहती है। तो सेकंड सिस्टर कहती है लड़के के नाम से तो सेव नहीं किया इसने, दीदी को कहती है। तो दीदी बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन चलो पता कर लेंगे, अभी करने दो उसे फ़ोन पे बात। फिर मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ गौरी बोलो। तो गौरी यहाँ पर मुझे बोलती है कि तुमने मुझे विश किया था? तो मैंने कहा हाँ मैंने तुम्हें विश किया था, पर तुम तो बिजी होगी ना, और वैसे भी तुम एक्स वाई जेड की स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास तो मतलब टाइम ही नहीं होगा, तो मैं समझ सकती हूँ। तो तभी वो मुझे एकदम से चिल्लाकर बोलती क्या तुम एक्स वाई जेड लगा के रखा है, आई एम अ नॉर्मल पर्सन ओके, पता नहीं एक्स वाई जेड स्कूल का नाम लेते से इन लोगों की अलग सोच क्यों हो जाती है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं तुम लोगों का एटीट्यूड ही बहुत हाई रहता है, तुम लोग टॉप स्कूल्स में आते हो, तुम हम जैसे लोगों से क्यों बात करोगे ये वो। तभी वहाँ पर मुझे गौरी की फर्स्ट टाइम सोच पता चलती है, हमारे बीच में कभी इतनी बातें और इंट्रैक्शन कभी नहीं हुआ था, कि फर्स्ट टाइम था जब हम एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर रहे थे। तो जहाँ पर वो मुझे ये बोलती है कि मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और दूसरी चीज़ मैं हूँ एक्स वाई जेड स्कूल में क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया, बट मेरे लिए मैटर नहीं करता एक्स वाई जेड, मेरे लिए मैटर करता है कि आपकी इंटेलिजेंसी, आपका बिहेवियर, और आप किस टाइप के इंसान हो। जो नव्या मुझे तुम में दिखता है, तुम भले नॉर्मल स्कूल से हो बट तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी चीज़ें हैं, और फ्रेंडशिप करने के लिए एक अच्छी नीयत देखी जाती है और एक अच्छा दिल देखा जाता है, स्कूल नहीं देखा जाता है। उस दिन गौरी ने बहुत बहुत डीप बात कह दी थी और वो बात से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। वहाँ से हम दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए और ऐसे ही हमारा वक्त बीतता जाता था। स्कूल हमारे चलते जाते थे, हम कभी एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस कर देते थे, कभी हम फेसबुक पे ऑनलाइन होते थे तो एक दूसरे से बात कर लेते थे, कभी हम कॉल पे भी एक दूसरे से कभी बात करते थे, ऐसी हमारी लाइफ चलती रहती। तो एक दिन गौरी मुझे कॉल करती है और मैं उसका फ़ोन पिकअप करती हूँ और उस समय मैं रो रही थी। तो वो मुझे पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो, एकदम सडनली से क्या हो गया? तो मैं रोते हुए कहती हूँ कि मेरी जो एल्डर सिस्टर है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो मुझे छोड़कर चली गई। तो तभी गौरी पूछती है कहाँ छोड़ के चली गई हैं? तो वो बोलती है, मैं उसे बताती हूँ कि वो मुंबई चली गई हैं। तो वो मुझसे पूछती है कि हाँ मुंबई चली गई हैं, आ जाएंगी, तुम इसमें रोने वाली क्या बात है, और तुम मुझे रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, तुम तो हंसती मजाक करते हुए और क्या बोलूँ उसे फ्लर्ट करते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो मैं गौरी के साथ बहुत फ्लर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि गौरी भी मेरी फ्लर्टिंग को काफ़ी इंजॉय करती थी। तो हम लोग बहुत मस्ती खोर टाइप के लोग थे, कि मस्ती मजाक सब चलता था। तभी वो मुझे बोलती है क्या हो गया है, तुम ठीक हो? तो मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं मैं ठीक तो नहीं हूँ दीदी, एक्चुअली चली गई है छोड़कर, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है और मैं बहुत अपसेट हूँ, और मेरे घर में ना थोड़ा सा माहौल भी बिगड़ गया है, मम्मी भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, पापा भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी जो मिडिल सिस्टर है ना, जो बड़ी दीदी की सबसे ज़्यादा क्लोज थी, वो नहीं कर पा रही है। तो वो कहती है तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों किस बात की टेंशन है, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, तुम्हें जब भी कॉल करना है करो, मैं तुम्हारा फ़ोन एक बार में उठाऊंगी, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये बात बोल के गौरी उस दिन मुझे काफ़ी अच्छे से कंसोल करके कर देती है। नेक्स्ट डे मेरा ऐसे ही चल रहा रहता है, मैं थोड़े से लाइफ में अपसेट होती थी, और जब भी मैं रोती थी अपसेट होती थी मैं गौरी को कॉल करती थी, गौरी हमेशा से मेरा फ़ोन पिकअप करती थी और वो मेरी सारी बातें सुनती थी और मुझे हंसाती थी। अब गौरी कभी भी खुद से कुछ होकर बताती नहीं थी, ना मुझे उसकी लाइफ के बारे में पता था, ना मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस वो मेरी सुनती थी और मुझे बहुत अच्छे से कंसोल करती थी। हमेशा से उसके साथ वो 1 घंटा बात करना या फिर
15 मिनट बात करना मेरे चेहरे पे इतना सुकून लाता था मुझे पता ही नहीं चला। और उस ड्यूरेशन में गौरी मुझे कहती है कि तुम ठीक हो, तो मैंने उसे बोला कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं, ये चैप्टर्स नहीं आता है और बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं प्री बोर्ड, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो क्या तो मुझे पढ़ा दोगी? तो वह कहती है कि हाँ, मैं कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस आ ही रही हूँ वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो तुम मुझे इस समय पे मिल जाना और मैं तुम्हें वहाँ पर पढ़ा दूँगी। मैं जाती हूँ उसे पढ़ने के लिए और बहुत स्पीड में भागते हुए, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतने सारे काम दे दिए थे, वो काम ख़त्म करके मैं जैसे तैसे भागती हूँ। और मैं भागने से पहले, मेरी एक आदत थी, क्योंकि ब्यूटीफुल लड़कियों को कभी भी वेट नहीं कराते हैं, और अगर आप किसी ब्यूटीफुल लड़की को वेट कराते हो तो आपकी ये रहता है कि आपको उस कंपनसेशन को भी कुछ ना कुछ चीज़ों से पे करना रहता है। तो मैं वहाँ से चॉकलेट्स हमेशा से ख़रीदती हूँ और इसके लिए लेकर जाती हूँ। गौरी मुझे बहुत घूर के देखने लगती है, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैं एटलीस्ट 20 मिनट्स लेट थी। और मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, तो मैं उसी तरफ देखती हूँ, वो भी मेरी तरफ बहुत घूर के देख रही थी। फिर मैं चुपके से अपने से बैग से डेरी मिल्क की चॉकलेट निकाल के उसे देती हूँ और कहती हूँ आई एम सॉरी, और अपने कान पकड़ती हूँ। तो वो ये देख के काफ़ी उसका गुस्सा शांत होता है, कहती है ठीक है चलो बैठो, क्या पढ़ना है? वो मुझे पढ़ा रही थी, लेकिन पढ़ाते टाइम भी मेरी नज़र से उससे हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो इतने प्यार से मुझे पढ़ा रही थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था, और मुझे उसके साथ वो वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। अब मेरे लिए लाइफ में गौरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी, एक मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा जो मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर मेरी दोस्त जो झिलमिल थी, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टीस करती रहती थी, उसके नाम से छेड़ना, क्योंकि जब भी मैसेजेस आते थे मैं अलग हो जाती थी, मैं अलग से उससे बात करने लगती थी। अब तो ऐसा हो गया था कि झिलमिल भी मेरे साथ रहती थी, तो कभी भी गौरी का फ़ोन आ जाता था या मैं कभी गौरी को फ़ोन लगा देती थी और हम लोग हंसते खिलखिलाते एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बात करते रहते थे। इस ड्यूरेशन में फ्लर्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी हमारे बीच में, और हम फ्लर्ट तो वैसे गौरी कभी करती नहीं थी, फ्लर्टिंग तो मैं ही करती थी उसके साथ, लेकिन वो इंजॉय भी करती थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं करती हो मेरे साथ, तो मैंने उसको बोला कि तुम ज़्यादा इंजॉय नहीं करती हो क्या मेरे साथ? तो वो कहती नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे क्या है, मुझे कोई इतनी अटेंशन और इतना पैम्पर नेचर करेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये देखकर उसे भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था, और ऐसी हमारी लाइफ चलती थी। इस ड्यूरेशन में जब भी वो मुझे पढ़ाती थी, मैं सच कहूँ कि मेरे लिए वो लकी चार्म थी। जब से वो मेरी लाइफ में आई थी, मैं अपने इमोशनली ब्रेकडाउन जो सिस्टर के जाने के बाद था, उन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं उभर उठी थी। और दूसरी चीज़, वो मुझे हर टाइम हर समय बहुत प्यार से रखती थी, और जो जब भी वो मुझे पढ़ाती थी तो मैं जो क्लास में टॉप 6 या 7 में आने लग गई थी, मैं टॉप 3 में आने लग गई थी, और मैं खुश रहती थी तो मैं पढ़ाई पे भी फोकस काफ़ी अच्छे से करती थी। ऐसी हमारी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पर मैं बहुत अपसेट होती हूँ और मैं रो देती हूँ, हालांकि मैं थोड़ी सी रोट लू थी, और उससे मैं रोते हुए कहती हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। तो वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम दीदी को कॉल कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं दीदी, तो बिज़ी रहती है, टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट डे वो मुझे कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे मॉल है, मेरे घर के पास में मॉल था, तो मुझे बोलती है कि इस मॉल पे मैं खड़ी हूँ, जल्दी आओ। और मैं भागते हुए उससे मिलने के लिए जाती हूँ, तो वो कहती है रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, और तुम रोती हो तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ता है, तो प्लीज़ मुझे बुलाने के लिए रोने वाला काम मत किया करो, तुम मुझसे खुल के कह सकती हो कि मुझे तुम मुझसे मिलना चाहती हो। मैं अपने बालों पे हाथ रख के बोलती हूँ कि आर यू सीरियस, मैं ऐसे बोल सकती हूँ? तो कहती है कि हाँ बोल सकती हो, अगर टाइम पॉसिबल हुआ और मैच हुआ तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी, और ऐसा क्यों नहीं है कि मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने के लिए, मुझे भी अच्छा लगता है मिलना। ये बात सुन के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका था। टीनेजर लाइफ और आपकी फर्स्ट क्रश, आपका फर्स्ट जिसको आप बेइंतहा पसंद करते हो, अगर वो भी ये कहे कि मुझे अच्छा लगता है तुमसे मिलना, तो आप तो उड़ती फेरू मैं तो मस्त गगन में,
वो वाली फीलिंग्स आती है, और मेरे अंदर भी वो सारी फीलिंग्स थी उसके लिए। मैं बहुत खुश होती हूँ, और गौरी जब भी मेरे साथ रहती थी वो मुझसे ये डिमांड करती थी कि तुम मुझे खिलाओगी जो खिलाना है। और मैं उसके साथ रहते रहते मेरा नेचर भी वैसे हो गया था कि जब भी मैं ज़रूरत होती थी तो उसे जो भी चाहिए रहता था, उसे बिन बोले उसे चॉकलेट्स गिफ्ट करना, उसके बिन बोले उसके लिए गिफ्ट्स खरीदना, उसके बिन बोले उसको स्पेशल फील कराने के लिए मैं बहुत पैम्परिंग नेचर देती थी हमेशा उसको। और ये चीज़ उसे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती थी। फिर हमारा इसी तरीके से 12th स्टैंडर्ड भी ख़त्म होने के कगार पे आ जाते हैं। एक दिन वो मुझे फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हें नेशनल इनकम आती है? तो मैंने उसे बोला कि हाँ मुझे तो आता है नेशनल इनकम। तो वो कहती मुझे पढ़ाओ कि। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। और वो दिन संडे रहता है और संडे के दिन उसे मैं अपने घर पे बुलाती हूँ। तो उस दिन गौरी मेरी फैमिली से मिलती है और मेरी मॉम डैड से मिलती है, मेरी सिस्टर से मिलती है। तो मेरी सिस्टर तो बहुत रिजर्व नेचर की है, बीच वाली, वो ज़्यादातर बात नहीं करती है, पर वो मुझे बोलती है कि तुम लोग पढ़ाई कर लो, मैं जा रही हूँ। वो दूसरे रूम पे चली जाती है और मैं और वो एक ही रूम पे पढ़ रहे थे। मैं उसे बहुत सीरियस तरीके से पढ़ा रही थी और वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी, पर उसी ड्यूरेशन में मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। हाय, उसका उस तरीके से मुझे देखना, मेरा उस तरीके से देखना। फिर सडनली से वो बोलती है मैं पढ़ पढ़ के बहुत थक गई हूँ। तो मैं उसे बोलती हूँ कुछ खाओगी? तो कहती है कि हाँ ज़रूर, क्या खिलाओगी तुम? तो मैं उसको बोलती हूँ तुम चाउमीन खाओगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं चाउमीन खाऊंगी, पर तुम चाउमीन बनाओगी? तो कहती है नहीं, मेरे पापा का तो नीचे रेस्टोरेंट है, मैं तो चाउमीन नीचे से मंगा लेती हूँ। ये बात सुन के वह कहती है पक्का? तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, मैं नीचे से जाती हूँ उसके लिए चाउमीन लेकर आती हूँ। और वो चाउमीन खा रही थी, चाउमीन खा के वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो मेरे ही लैप पे सर रख कर सो जाती है। और फिर वो मेरी तरफ़ देख के बोलती है कि मेरे सर पे हाथ फेरो। और मैं चुप मुँह से, मेरे हार्मोन्स, मेरी फीलिंग्स तो कहाँ थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसका उस तरीके से मेरे को बोलना कि हाँ भाई कम हाथ तो फेरो, और मैं ऐसे क्या चल के आ रहा है यार मैं अलग ही जोन में थी। मैं उसके सर पे हाथ फेरती हूँ और उसकी तरफ देख रही रहती हूँ, बहुत प्यार से मैं सिर्फ उसकी तरफ देखती रहती हूँ। और इसी तरीके से वो दिन भी बीत जाता है और हमारा 12th स्टैंडर्ड लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। 12th स्टैंडर्ड जब ख़त्म ही होने वाला रहता है तब मैं उसे एक टेक्स्ट मैसेज करती हूँ और उसे बोलती हूँ गौरी मुझे कुछ बात बतानी है आपको। तभी वो कहती है कि हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। तो मैं उसे बोलती हूँ कि ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है क्या कि कोई तुम्हारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया हो जिससे बिना बात करे तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, या जिसे तुम रोज़ बात करना पसंद करोगी? तभी गौरी कहती है मेरी लाइफ में तो तुम ही हो अभी ऐसी इंसान, इसके अलावा तो और कोई है नहीं है, बट हाँ बोलो ना तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही थी। तो वो कहती है हाँ तो बोलो क्या हुआ है? ऑफ़ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। तो मैं कहती हूँ कि हाँ बट तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। तो तभी वहाँ से गौरी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनना और तुम्हारे साथ वक्त बिताना और तुम्हारी हंसी टटोली सुनना पसंद है, मेरी लाइफ के बारे में क्या करोगी जान के? मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है और कुछ है नहीं, जब कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊँगी। तभी मैं उससे पूछती हूँ तुम्हारी क्लास में इतने सारे लोग हैं तुम्हें कोई पसंद नहीं है क्या, मतलब लाइक तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? तो कहती है मेरी बनती नहीं है हर किसी से क्योंकि कोई मेरा एटीट्यूड और ये सब हैंडल नहीं कर पाता है, और तुम्हें पता है ना मेरा नेचर किस तरीके से है, मैं बहुत गुस्से वाली भी हूँ। तभी मैं कहती हूँ हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इस पूरे एक साल में मैंने तुम्हारा गुस्सा बहुत बार हैंडल किया है। तो कहती है कि वो तो तुम्हें लाइफ टाइम भी हैंडल करना पड़ेगा। ये सुन के भी मेरे दिल को गार्डन गार्डन होता है कि हाय मैं तो करने के लिए तैयार ही हूँ, बस आ जाओ। उस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हम दोनों की लाइफ में हम दोनों की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और धीरे धीरे वो वक्त बीत जाता है, फिर हम 12th स्टैंडर्ड में अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं और हमारी वो बोर्ड एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इस ड्यूरेशन में अब यहाँ से हैप्पी मोमेंट्स तो लाइफ के, हनीमून पीरियड्स तो हमेशा से चल ही रहा था, हम फीलिंग्स का होती है,
पर अब यहाँ से लाइफ में अप्स एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारी रियल स्टोरी शुरू होती है।